तो दोस्तों आज हम बात करें टाटा मोटर्स डीवीआर के स्टॉक के बारे में। टाटा मोटर्स डीवीआर के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे हम। अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो स्टॉक है ये हमको अप्रैल से ही यहाँ पर पहले क्लियर अपडेट में देखने को मिल रहा था। हमको यहाँ पर स्टॉक में हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था, लेकिन फिर स्टॉक ने यहाँ पर रजिस्टेंस लिया जिसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। लेकिन अभी अगेन हमको यहाँ पर स्टॉक में यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। अभी अगेन हमको यहाँ पर स्टॉक में हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी रिसेंटली भी हमको यहाँ पर स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन स्टॉक ने यहाँ पर अपने प्रीवियस लो में ब्रेक नहीं किया और आज हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन 2.53% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से अभी अगर स्टॉक में और तेज़ी आती है तो यहाँ से और तेज़ी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है 428 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ हमको स्टॉक है 448, और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको ब्रेक किया देन यहाँ से अभी हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी तेज़ी बड़ी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद यहाँ से हमको स्टॉक है 465, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक है 480 एंड देन यहाँ से अभी हमको स्टॉक में 500 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज अ नेक्स्ट स्टेप फॉर रेजिस्टेंस। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ पर गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है 411 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 398 एंड देन यहाँ से अभी हमको स्टॉक में अगेन 387 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एज अ नेक्स्ट स्टेप फॉर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।